वाणी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यही विराम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। और कार्यक्रम के समापन की घोषणा, आज यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अभी आप मेरे पीछे देखिए हमारी बांध बहुत ऋषि परिवार जी खड़े हैं और मैं आपको बता दूं आज यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी आए हैं और वो जो जमरानी बांध प्रभावित लोग हैं उन्हें धनराशि दी जाएगी, इसके साथ ही जो तमाम योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। तो आइए बिना किसी देर के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? विशाल वर्मा। आपकी क्या प्रॉब्लम है जो आप सीएम धामी के सामने आते हैं? मैम बहुत ही प्रॉब्लम है, समस्या है। ये सड़क और नालियों के निर्माण के लिए मैं पिछले 2-3 सालों से मैं चक्कर काट रहा हूँ। 3/8/2024 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया था गोलापाल में, पर अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने दिया है आपका 6/8/2024 को जिलाधिकारी मैडम को, फिर ऐसा कोई क्या कहते हैं ये कैंप नहीं होता है जिलाधिकारी का, जहां मैं रोड की समस्या लेके अपने वार्ड की समस्या लेके, वार्ड 19 पड़ता है मेरा रामपुर रोड क्षेत्र, मैं जाता नहीं हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीएम साहब के निजी सचिव उन्होंने तक का डीएम मैडम को दे दिया है कि बात कर ली है उनसे कि आप इनका रोड का जो पैसा है 40 लाख रुपये बनाए मेरी रोड का एस्टिमेट वो पास कर दीजिए, और जिलाधिकारी जी के कान में जूनी रैंक दिए कि वो हमारी रोड के लिए बजट पास कर दे। हम लोग वार्ड वाले बहुत परेशान हैं, इससे पहले भी क्या कहते हैं मैं जे न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये कवर करा था हमारी रोड का, और आज 4/10/2024 को भी मैंने जिलाधिकारी मैडम को बोला था पर कोई सुनवाई नहीं होती। मैडम अधिकारियों को क्या कहते हैं लगाम लगाना बहुत जरूरी है। मैं माननीय सीएम साहब से पुष्कर सिंह धामी जी से ये बोलता हूँ, अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, हम आम आदमी हैं, हम किसके पास जाए, जिलाधिकारी नहीं सुन रही है, कुमाऊं कमिश्नर नहीं सुन रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ नहीं दे सकते ना। हम बहुत सी समस्या, 6 महीने से हमारे क्या कहते हैं वार्ड में पानी नहीं आ रहा है, गली नंबर 5, 6, 7, 8 और 10 नंबर गली छोड़ दीजिए, 11 नंबर गली कहीं पानी नहीं है 6 महीने से, 5 दिन से तो पानी नहीं आया बिल्कुल। वहाँ वार्ड की महिलाओं से पूछो क्या हाल है, पानी का टैंकर आ रहा है रोज, बड़ी दिक्कत है मैम, चोटीले हो गए वहाँ क्या कहते हैं हमारे रोड सही नहीं होने से, रोड खराब है, इतनी स्थिति खराब है कि चल नहीं पा रहे हैं, प्रेगनेंट महिला नहीं चल पा रही है, बच्चे नहीं चल पा रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम, ये बताइए किस अधिकारी के पास जाए, क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का हम लोगों का, हम कहाँ जाए ना, किससे बोल। अब सीएम साहब से बोल रहे हैं, सीएम साहब को भी 2 महीने हो गए ज्ञापन दिए हुए, आज फिर मैंने क्या कहते हैं ज्ञापन दिया है, ये आज फिर मैंने 15 तारीख को ज्ञापन दिया है, कहीं तो मेरी हमारी सुनवाई हो जाए, ये देखिए 15 तारीख को ये ज्ञापन दिया है, कहीं सुनवाई नहीं है ना, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम है गोविंदबल्लभ भट्ट, सन ऑफ 3 खीमानंद, INA इंडियन नेशनल आर्मी आज़ादी फौज का आश्रित मृतक आश्रित हूँ, और हमारे पिताजी के टाइम से ये ज़मीन उनके कब्जे में चली आई थी, और उसके बाद में जब नियमितीकरण के आदेश आए तो सरकार उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको नियमितीकरण भी किया गया, जिसमें 70 स्वयं सेनानी के आशीर्वाद से धनराशि वसूली गई, वो भारतीय स्टेट बैंक में उसको जमा कराया गया, और उसके बाद क्या नाम कहते हैं ज़मीन जब नियमितीकरण के आदेश आ गए तो उसके बावजूद भी IGM और क्या नाम कहते हैं हमारे तहसीलदार ये इसको चिन्हित करने को राजी नहीं है, जबकि 4 बिस्वा ज़मीन जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दे दी गई है, इसमें 2 बिस्वा ज़मीन बच गई है, और वो 2 बिस्वे में जो ज़मीन है वो हमारे नाम से नियमितीकरण हो चुकी है, दोनों के नाम से, चचा के नाम से ही भतीजे के नाम से भी, पर IGM इस पे कोई हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है, कोई लिखित देने को तैयार नहीं है, और ना ही कोई पटवारी, ना ही तहसीलदार और ना ही तहसीलदार, सबकी भूमिका वही है, इसमें समस्त भूमिका जो है हमारे माननीय सम्मानित कानून को
कानगो की भूमिका है वो बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। बताइए जब मेरी जन्मभूमि वहाँ पे है, आज 70 साल मेरे को हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, और उसी गोरा पड़ाव के अंदर हरिपुर तुलाराम के अंदर ग्राम सभा है और वहीं मेरे बच्चों का जन्म हुआ है। अब बताइए जब मेरी जमीन मेरे नाम पे है, मेरे पिताजी के नाम से उस जमीन को हमने छोड़ भी दिया, सरकार के लिए छोड़ दी, उसके बावजूद हमारी जमीन बची हुई है और फिर भी देने को तैयार नहीं है। ये तो बड़ी विडम्बना वाली बात है सरकार, भारत सरकार। हमें तो उत्तर हमने पुष्कर सिंह धामी जी को भी कई बार लिख के दे रखा है, इसको उनके पीआरओ को भी मैं कई बार मिल चुका हूँ। यहाँ तक कि प्रथम बार जब पुष्कर सिंह धामी जी जब मुख्यमंत्री बने तो मैं इनके निवास स्थान खटीमा में पहुंचा, मैं इनकी मैडम से भी बात करा, इनसे भी मैंने बात करी। ये जमीन देते हैं मतलब सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, और वनपुलपुरा वालों को भी ये सब कुछ दे रहे हैं जो यहाँ पे 70 साल से 80 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं हमारे गोरापड़ा हल्द्वानी क्षेत्र में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित हैं, उनको ये सरकार ये जो इनका प्रशासन है वो आके उस जगह को चिन्हित नहीं करता है। वो कहता है आपकी जमीन तो है ही नहीं, और कहता है कि हम अगर कोई बात करेंगे तो आपसे अनऑफिशियल करेंगे, ऑफिशियल कोई बातचीत नहीं करेंगे। और ये इनके लिए यहाँ पे तो बड़ी बड़ी योजनाएं चलाते हैं और खेलते हैं मीटिंग, लेकिन जब कोई आम इंसान इनके पास जाता है तो ये उसको वहाँ से धुतकार देते हैं। माननीय मंडल आयुक्त जी से मैं उनके पास भी गया था, वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम देखेंगे कल देखेंगे। करीबन आज मैंने उनको 24 जून को मैंने उनको एप्लीकेशन दिया हुआ था, आज तक उस एप्लीकेशन का कोई भी रिप्लाई नहीं है। अब ये कहा बताइए, वहाँ पर ना हमारा घर है ना कुछ है, तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अभी मैं अपने मामा जी के वहाँ रह रहा हूँ, घर भी इन्होंने तोड़ दिया। अब जो हमारी सिर्फ 2 बिस्सा जमीन बची थी वो जमीन भी क्या बोलते हैं कि नहीं है वहाँ पे, कहते हैं अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ से अपना परिवार को देखेंगे, क्या करेंगे। ऐसी तो ये सरकार कर रही है, बस यही है माध्यम से कि हमारा उनके पास पहुँचे, आवाज़ तो पहुँचे, कोई बातचीत तो पहुँचे। समस्याएं लेकर पहुँचे। इसी के साथ ही यदि आपको इस रिपोर्ट को और विस्तार बचाना है तो हमारी अगली रिपोर्ट देखिएगा। इसी के साथ ही इस रिपोर्ट में आता ही मैं आपके सहयोगी पल्लवी के साथ किरण जे न्यूज़ हल्द्वानी।